नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यारी से यारी चैनल पर। दोस्तों, दीपावली फेस्टिवल पास आ रहा है, सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट में जुट गए हैं। दोस्तों, घर की सजावट में प्लांट्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। ये प्लांट हमारे घर की खूबसूरती तभी बढ़ाते हैं जब हम इनको प्रॉपर प्लेस पर उचित तरीके से अरेंज करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे हाउस प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जिनका उपयोग करके हम अपने घर को सजा सकते हैं। ये प्लांट है सिंगोनिया, बोट लिली, वॉन्डरिंग ज्यू, एस्पेरेगस और मनी प्लांट। दोस्तों, ये सभी प्लांट सेमी शेड वाले प्लांट हैं, इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में ये खराब हो जाते हैं। इनको लाइट तो चाहिए पर डायरेक्ट सनलाइट में इनको नहीं रखना चाहिए। इनकी ज्यादा केयर भी नहीं करना पड़ती है, बस पानी देते रहिए और 2-3 महीने में थोड़ा सा खाद डाल दीजिए। तो चलिए सजाते हैं हम अपने घरों को। मनी प्लांट से आप अपने कोर्टयार्ड की वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके लिए आपको सबसे ऊपर एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वायर को बांधना पड़ेगा इस तरीके से, और उससे वर्टिकल वायर बांधकर प्लांट को उससे बांध देना है। बस इसके सहारे मनी प्लांट ऊपर चढ़ता जाएगा। मैंने इसकी ये 3 रो लगाई है। लास्ट वाली रो थोड़ा खराब हो गई है क्योंकि इस पर सनलाइट बहुत आ रही है। इसके साथ आप लाइट की सीरीज भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक देता है लाइट इसके साथ में। आप चाहें तो मॉस स्टिक पर भी लगाकर 3-4 गमले लाइन से रख सकते हैं। इसे आप अपने स्टेयर की रेलिंग पर भी सेट कर सकते हैं। जब ये घनी हो जाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। मनी प्लांट को आप छोटे पॉट में लगाकर अपने ड्राइंग रूम के कॉर्नर पर या और कोई स्टैंड पर भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए कितना बुशी है ये। मनी प्लांट को आप पानी में लगाकर किसी छोटे से पॉट में फ्रिज के ऊपर भी रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लगता है। इसे आप बुक सेल्फ पर भी रख सकते हैं, सेंटर टेबल पर भी रख सकते हैं। दूसरा प्लांट लेते हैं सिंगोनिया। देखिए ये कितना बड़ा और कितना बुशी हो गया है। इसे आप अपने ड्राइंग रूम के किसी भी कॉर्नर में, जो भी आपको खाली स्पेस फिल करना हो, वहाँ पर रख सकते हैं। और इसके साथ में कोई शोपीस अरेंज कर दीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से शोपीस रख दिया इसके साथ में। बहुत ही सुंदर लुक देता है। यदि प्लांट छोटा है तो उसे आप किसी हाइट वाले स्टूल पर रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है। छोटे छोटे पॉट में लगाकर आप इसे फ्रंट डोर की स्टेयर पर भी लाइन से इस तरह रख सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लगता है।
इसकी लीव्स थोड़ी वाइट हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर सनलाइट ज़्यादा आती है। यदि आपके एंट्रेंस डोर के साइड में स्पेस है तो आप इसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन आपके पास यदि स्पेस है एंट्रेंस डोर के साइड में तो आप इसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर लुक देता है ये एस्पेरेगस। इसे मैंने विंडो के साइड में इस तरीके से टांगा है। ये हैंगिंग पॉट मैंने खुद बनाया है बॉटल और डब्बे से। बोट लिली को आप शू रैक पर भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए इसके साथ भी आप कोई शो पीस रख सकते हैं। ये देखिए मैंने मंकी रख दिया है। सिंगोनियम भी रख सकते हैं यहाँ पर, सिंगोनियम भी अच्छा लगता है। बोट लिली और वांडरिंग जीव को आप इस तरीके से स्टैंड पर अरेंज कर सकते हैं। ये स्टैंड मैंने ड्रेनेज पाइप के टुकड़ों को पेंट करके बनाया है। देखिए इस पे आप कोई सा भी प्लांट सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके पास और टुकड़े हों तो एक और इससे लंबा वाला बना सकते हैं। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी अरेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये एरिका पाम है, इसे मैंने स्टडी रूम के कॉर्नर पे रखा है। आप इसे हॉल में भी सेट कर सकते हैं या बरामदे में भी रख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये पर्पल हार्ट है, इसे मैंने गेस्ट रूम में कबर्ड के ऊपर इस तरीके से रखा है। इसे विंडो से सनलाइट भी मिलती रहती है। तो सजाइए दोस्तों अपने घरों को। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैप्पी दिवाली।